नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आ गई हूँ मैं फिर से और आप सबका स्वागत है बहुरानी मीता में। आज मैं आई हूँ, मतलब बोलते हैं ना, साल भर का सबसे फेवरेट हलवा जो होता है गाजर का हलवा बनाने के लिए। लेकिन इसमें इसको ना घिसना फिर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें बोल रहा है कि 10 मिनट में हो सकता है। आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट आज मैं करने वाली हूँ, तो मैंने सारा चीजें ले लिया है और इनको मैं ट्राई करने में 10 मिनट के अंदर ये होता है कि नहीं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आज मैं क्या क्या चीजों से गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाल लाल सुंदर सुंदर गाजर ले लिया है। उसके साथ मेरे पास है चीनी, उसके साथ है खोआ, यहाँ है किशमिश, काजू, आमंड, दूध और ये है घी। तो मैंने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है और मेरे पास है ये कुकर जो कि बहुत बड़ा, बहुत दिनों से है मेरे साथ। तो ये कुकर में मैं बनाने वाली हूँ और मुझे ये भी देखना है कि कुकर और कढ़ाई में टेस्ट कैसा होता है। तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो चलिए झटपट बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है ना। गाजर का हलवा खाने के लिए आपको बढ़िया लाल लाल गाजर लेना है और देखिए मैंने यहाँ पे कैसे लिया है। इन ऐसे ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो और मीडियम साइज़ के हो तो बहुत अच्छी बनती है। इनको मैं अच्छे से छील ले रही हूँ। वैसे मेरे घर में तो गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद है, खास करके मेरे बेटे, मेरे ननद, हस्बैंड, सभी को पसंद है। तो यहाँ पे मैं इनको ना ऐसे ही मोटे मोटे करके काट ले रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, खाली छील लेना है, ऐसे हाफ कर लेना है और उसको पानी में डाल देना है। अब पानी के में डालने के बाद इनको रगड़ रगड़ के साफ करना है, भी नहीं रगड़ रगड़ के नहीं, हल्के हाथों से इनको साफ कर लेना है और बस इनका पानी को निकाल देना है। इनको पानी निकालने के बाद हम लोग इसको काटेंगे, मतलब आप चाहे कैसे भी काट सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं देखिए कैसे काट रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मेरा कटिंग बोर्ड और इससे ही मैं इसको ना ऐसे लंबा लंबा करके काट के, फिर जैसे बोलते हैं ना डाइस काटना और कि चॉप करना, आप रफली चॉप करो। मैं यहाँ पे अच्छे से कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और मुझे भी करने में अच्छा लगता है कि नहीं। जो यहाँ पे ऐसे ही मैं काट ले रहा, आप रफली चॉप कर लो और इनके बाद जो है इन सारे को इकट्ठे कर लो। करने के बाद एक कुकर ले लो और कुकर में पहले ना आपको डालनी है घी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तो घी और मतलब मिलता है यहाँ पे मेरे लोकल में, तो वहाँ से मैंने लिया है और बहुत ही शानदार घी है। जो इसको मैं डाल दूंगी, करीबन 50 ग्राम घी मैंने इसमें यूज़ किया है। और घी डालने के बाद जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, मैं इनमें डाल दूंगी ये कटे हुए गाजर को। तो गाजर को डालने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। और जैसे मैंने देखा था, मैंने तो वीडियो देखा कि उसमें तो काफ़ी जल्दी हो जा रही है, मैंने भी सोचा चलो इससे ही से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। तो बहुत ही मज़ा तो आ रहा है मुझे बनाते हुए, क्योंकि इतना जल्दी हो जाएगा उतना तो काम भी बचेगा ना। तो यहाँ पे मैंने ना 4-5 इलायची ली है और इनको ना अच्छे से कूट ले रही हूँ। और ये जो मेरा, मतलब आप क्या बोलते हो बंगाली में इसको, हामोल दिस्ता बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें मैं डाल दी हूँ खलपट्टा ना क्या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो इनको ना अच्छे से क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद इनको डाल देंगे कुकर में। और इसका जो स्मेल इतना बढ़िया वाला आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में पता चल रहा है सबको कि गाजर का हलवा बन रहा है, बस खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के दूध डाल दिया, ये मीडियम साइज़ का कटोरी है और मैंने 1 किलो गाजर लिया है, तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी दूध डाला है। तो इनको बस मैंने लगा दिया और तो यहाँ पे मैंने गाजर को बिठा दिया है कुकर में। ये होने के लिए 3 सीटी लगेगा और जिसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दिया है। तो मैं जाती हूँ, मेरा बेटा आयुष का एग्जाम है तो सोचा चलो इतना ही देर में उसको थोड़ा देख के आते कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया है, देखिए मैंने ढक्कन खोल दिया, कैसे ये पक चुके, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं गाजर और बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। तो इनको मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई आप चाहे तो कुकर में ही सारा प्रोसेस कर सकते हो, मैं कढ़ाई में निकाल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे बने। आप देख सकते हो ये कितने नरम हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इनमें, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं एक स्मैशर ले रही हूँ और इनसे मैं इनको थोड़ा सा ऐसे हाथ से ही पीस ले रही हूँ। मिक्सी में मत डालिएगा क्योंकि उसमें ना एकदम पेस्ट बन जाएंगे, वैसे हलवा खाने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा दरदरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 1/2 कप चीनी और चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिलाइए, इससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा तो उसको सुखाना है हमें। देखिए चीनी अब कितना डालना है आप, ये आपके ऊपर है, मीठा आप कितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए। साथ में डालिए खोआ, बढ़िया वाला खोआ है ये,
और इसमें मैंने करीबन 25 ग्राम खोआ डाला है। तो खोआ डालने के बाद आप देख सकते हो, अब खोआ नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप पाउडर दूध, जो पाउडर वाला मिल्क आता है उसको डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही बढ़िया बनता है ये। और इसके साथ ना मैं इसमें नहीं छौंक नहीं लगाने वाली हूँ, इसमें मैं डालूंगी घी। घी में डाल दिया मैंने यहाँ पे आलमंड, काजू और किशमिश, तीनों को जो है अच्छे से भून लीजिए हल्का सा ऐसे लाल लाल करके, देखिएगा। उसके बाद इसको हलवे में डालिए, उसका टेस्ट और दुगना तिगना हो जाता है। और इसमें मैंने डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और इसको मैं हल्का सा यहाँ पे सुखा ले रही हूँ और अच्छे से मिला चुकी हूँ और ये रेडी है। तो यहाँ पे मेरी गाजर की जो हलवा है वो एकदम हो गया है रेडी, मतलब एकदम हो गया है रेडी। तो चलिए देखते हैं। और सच बताओ ये 10 मिनट में कभी भी पॉसिबल नहीं है उस गाजर को, मतलब सीटी लगा के फिर करने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। लेकिन तो 20 में मतलब ये भी तो काफी मतलब कम टाइम हो गया ना, क्योंकि हम लोग जनरली घिस के जब बनाते हैं 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन ये देखने में उतना ही अच्छा हुआ है और खाने में तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि कैसा लग रहा है ये खाने में। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। उफ, इसको ना मैं थोड़ा सा और यहाँ पे गार्निश कर देती हूँ। वाओ, तो एक बार टेस्ट करती हूँ मैं और टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसा बना है आज का मेरा गाजर का हलवा। वाह वाह वाह, मुझे पता है आप लोगों ने गाजर का हलवा ऑब्वियसली खा चुके होंगे। मैं तो खा रही हूँ, मैंने आज ही खा रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं मैं कितना एक्साइटेड हूँ और सच में घर में सबको खिलाना है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और जरूर आप भी बनाइए, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर बताइए, कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो यही पे खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नया वीडियो में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।